हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई एम वेरी श्योर आप सब बेहतरीन हैं। सो बच्चों, मैं आपके लिए एक प्यारा सा मैसेज लेके आया हूँ आज। और मैसेज ऐसा है बच्चों कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बच्चों, जिस प्रकार से इंडिया में डिजिटल क्रांति हुई है, जिस प्रकार से हर हाथ में स्मार्टफोन है, उसके लिए उसके हिसाब से बच्चों, इंडिया में जो आने वाला टाइम है, इनफैक्ट, और मैं इसको कनेक्ट करने वाला हूँ CS कोर्स से, जो आने वाला टाइम है वो इंडिया का टाइम है। क्योंकि हम सब लोग मोबाइल से काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली हो गए हैं, और मोबाइल के थ्रू बहुत सारी चीज़ें, चाहे सर्विस हो, चाहे बहुत सारी सर्विसेज हो, या फिर कोई भी कंटेंट हो, हम मोबाइल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अब बच्चों, इस चीज़ के चलते दो चीज़ें होने वाली हैं। तो बच्चों, इंडिया का तो बहुत अच्छा काम होने वाला है, स्टार्टअप्स बहुत आने वाली हैं, IT में बहुत सारा काम निकलने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे कंपनी सेक्रेटरी का क्या फायदा है? सो बच्चों, कंपनी सेक्रेटरी का फायदा ये है कि जितनी स्टार्टअप बनने वाली है, आप सबको पता है कि सरकार ने स्टार्टअप्स के लिए बहुत सारी अलग अलग स्कीम्स बनाई हुई हैं। तो ये जो भी स्कीम स्टार्टअप्स के लिए हैं, जितनी स्टार्टअप्स इनकॉर्पोरेट होंगी एज अ कंपनी, एज एन LLP, तो एज अ प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी यहाँ पर मुझे काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है, पॉइंट नंबर वन। क्योंकि स्टार्टअप्स का, फिर बच्चों आपको ये भी पता है कि स्टार्टअप्स जो होती हैं वो कुछ तो नया सॉफ्टवेयर लेके आती हैं, ऐप लाती हैं, तो पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क्स हो गए, कॉपीराइट हो गए, स्टार्टअप में ये सारे इश्यूज होते हैं। फिर स्टार्टअप फाइनेंसिंग हो गई, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग हो गई, इस इन सारी जगहों पर CS के लिए काफ़ी सारे मौके आएंगे, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, स्टार्टअप, आपको पता है स्टार्टअप इज भूखी फॉर फंड्स, उसको बहुत सारे फंड्स चाहिए। तो फंड्स लाने के लिए बच्चों, स्टार्टअप जब एक बार 10 करोड़ की पेड अप कैपिटल का मार्क क्रॉस करेगी, डेफिनेटली बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि वैल्यूएशन बहुत अच्छे टाइम पे होता है। ठीक है, तो बच्चों उसको CS हायर करना पड़ेगा, और CS को स्टार्टअप्स काफ़ी अच्छी सैलरी देती है, क्योंकि CS उसको नए नए तरीके बताता है, CS नए नए तरीके इनको बताता है, अपने स्टार्टअप वालों को बताता है कि आप किस तरीके से फंडिंग ले सकते हैं। तो प्रैक्टिसिंग वालों को और जॉब वाले CS को, दोनों को यहाँ पे फायदा है, पॉइंट नंबर वन। अब मैं स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ। बच्चों जब डिजिटल टेक्नोलॉजी हो गई है, मैं आपको बता रहा हूँ, 100 में से 70 बच्चे जो हैं डिजिटल टेक्नोलॉजी का गलत यूज़ करते हैं। गलत यूज़ करते हैं मतलब, या तो वो इंस्टाग्राम पे लगे रहेंगे, या तो वो फेसबुक पे लगे रहेंगे, या फिर वो यूट्यूब पे उनका अच्छा खासा टाइम चला जाता है। कई बच्चों को गेमिंग का एडिक्शन होता है, उसमें चले जाते हैं। कई बच्चे इन्फ्लुएंसर बनने की कोशिश करते हैं। कई ऐसे बच्चे हैं जिनका खुद का मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो यूट्यूब पे दुनिया भर की बातें कर रहे हैं, उनका खुद भी अभी एग्जाम क्लियर नहीं हुआ है, उन्होंने जॉब नहीं किया, बट स्टिल दे हैव बिकम यूट्यूबर, दैट विच इज़ गुड, आप वो कर सकते हैं। बट अगेन, आपको ये सोचना है कि पहली प्राथमिकता आपकी पढ़ाई है या फिर ये चीज़ें हैं। ठीक है, और प्लीज़ बच्चों, यूट्यूब के डायनामिक समझिए, बहुत लेट पैसा आता है। जिन लोगों के मिलियन मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं ना, मिलियंस में जिनके सब्सक्राइबर, उनको भी महीने का मुश्किल से 1-8 लाख रुपए भी कभी कभी आता है। ठीक है, अब बच्चों मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, भुवन बम जैसे लोग हैं, दे आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल, बट बच्चों उतनी पॉपुलैरिटी के लिए क्या अपने पास इतना टाइम है, क्या उतना टैलेंट अपने पास है? मतलब मेरे ख्याल से उससे ज़्यादा आसान तो पढ़ाई करना है। ठीक है, अब डिजिटल टेक्नोलॉजी के चलते दूसरे ऐसे लोग हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सुदूर गाँव में रहते हैं, बहुत गाँव वाले एरिया में रहते हैं, वो बच्चे भी क्या कर रहे हैं, अभी यूट्यूब के थ्रू लेक्चर्स देख रहे हैं, क्लासेस कर रहे हैं, और काफ़ी अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। लेकिन बच्चों दिक्कत ये है कि 100 में से 70 बच्चे जो हैं डिजिटल टेक्नोलॉजी को सही तरीके से यूज़ नहीं कर रहे हैं। अगर फ्री नोट्स की बात होती तो 10-10 फैकल्टी के फ्री नोट्स लेके रखे हैं आपने, और आपको ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि आपको किन नोट से करना है। ठीक है, तो ये 100 में से 70 बच्चे जो है ना बच्चों, जो यूट्यूब के चक्कर में, गेमिंग के चक्कर में, देन दुनिया भर के पॉन एडिक्शन, इन सब चक्करों में बर्बाद हैं। तो 30 बच्चे जो हैं बच्चों, 30 बच्चे ये बहुत ज़्यादा तरक्की करेंगे। तो बच्चों अगेन, जो डिजिटलाइजेशन हो रहा है इंडिया का, जो डिजिटल चीज़ें हो रही हैं, डिजिटल युग में हम प्रवेश कर रहे हैं, इसका फायदा भी है, नुकसान भी है। मैंने बताया जॉब में आपको बहुत फायदा मिलेगा, आपको प्रैक्टिस में काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा, CS बनने के बाद आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आएंगी। बट अगेन, CS बनने के पहले क्या? तो बच्चों CS बनने में, मैं बोल रहा हूँ, मोबाइल के चलते 70 बच्चे बर्बाद भी होंगे, और 30 बच्चे जो हैं, और 30 में से 20 तो ऐसे बच्चे हैं जो बेचारे गांव के थे, जो कभी शहर आ नहीं सकते थे, अफोर्ड नहीं कर सकते थे, और उनका भविष्य मोबाइल ने बना दिया। यूट्यूब पे अब वो लेक्चर देखते हैं, मैराथॉन्स देखते हैं, फैकल्टीज के साथ इंटरेक्ट करते हैं, गाइडेंस लेते हैं, और पास हो जाते हैं। और 10 बच्चे नॉर्मल बच्चे हैं जो शहर के, जो नॉर्मली पास होना ही था जिनको। तो बच्चों आप डिसाइड कीजिए कि आप 70 वाली साइड में या 30 वाली साइड में है। ठीक है, सो बच्चों डिजिटलाइजेशन हो रहा है, उसका फायदा ही बहुत है, नुकसान ही बहुत है, बट आपको डिसाइड करना है कि मोबाइल से आप अपना करियर संवारेंगे या फिर आप अपने करियर की लगाएंगे। इज दैट क्लियर? थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, लव यू बच्चों।